हेलो गाइस, हमेशा की तरह आपका स्वागत है मेरे पांडे कंप्यूटर ऑनलाइन क्लास में। मैं हूं गौरव कुमार और आज आपके लिए फिर लेके आया हूं एक कंप्यूटर क्लास के कंप्यूटर का जो कोर्स होता है उसके थर्ड पार्ट, जो कि है अपना पेंट। तो चलिए आज शुरू करते हैं, पेंट के बारे में कुछ अलग से जानते हैं। पेंट के बारे में हॉटकीज बताऊंगा, उसके नए नए फंक्शन बताऊंगा, उसमें आपको डायग्राम करके दिखाऊंगा। इनफैक्ट आपको उसमें यह भी पता चलेगा कि एक कंप्यूटर को, इस कंप्यूटर में जो ये पेंट दिया रहता है, इसे बहुत सारे फीचर जो हैं, इस फीचर को आप अपने दिमाग में सेट कैसे कर रहे हैं, आप उसमें हर टूल्स के बारे में आप शायद नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपने वीडियो को। तो फिर से मैं हमेशा की तरह बोलूँगा, अगर आप मेरे पांडे कंप्यूटर क्लास में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में बेल आइकन है उस पर नोटिफिकेशन पर ऑल क्लिक करिए, ताकि मेरे नए वीडियो का अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो मैं इधर आ गया हूँ अपने डेस्कटॉप पे, ये देख रहे हैं ये मेरा डेस्कटॉप है। हम सीधे अपने स्टार्ट मेन्यू पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पेंट। देखिए यहाँ पर पेंट आ गई। देखिए ये जो पेंट 3D है, ये मैं पेंट 3D आपको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा ज़रूर। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दें, ताकि ये मेरे आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस पे हम लोग पेंट पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम लोग अभी MS पेंट पढ़ेंगे, जो कि हमारा बाय डिफ़ॉल्ट कंप्यूटर में है। अगर आप विंडोज 7 यूज़ करते हैं तो ये आप में ये जो पेंट 3D है इसमें शो कर रहा है, आपको इसमें पेंट 3D शो नहीं करेगा। और अब विंडोज 10 में है तो अब मैं पेंट 3D शो करेगा। वैसे पेंट 3D पढ़ाऊँगा, इसको करने के बाद इसको होता है, सबसे सिंपल है ये। हम लोग का मतलब कॉमन एडिटिंग टूल नहीं है, लेकिन हम लोग के माइक्रोसॉफ्ट ये हम लोग को प्रोवाइड करता है सिंपल सा एडिटिंग करने के लिए। तो ये हम लोग का 2 टैब है, इसमें ये जो पहला टैब है होम बटन, जिसमें कि आपको एडिटिंग के मतलब जो प्रैक्टिकली जितना होता है टूल्स, पेस्ट, कट, कॉपी, सेलेक्ट, रिसाइज, रोटेट, इसमें ये सब दिया रहता है। इसमें आपको कलर चॉइस करने को मिलता है। ये एडिट पे विथ पेंट 3D अगर आपका विंडो 7 होगा तो इधर शो नहीं करेगा, कन्फ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, ये सब इसमें इसी तरह दिखा रहा है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं एक डायग्राम से। वैसे तो आप देखिए उतना बताने का ज़रूरत नहीं है कि पेंट क्या है, ये सब सेव एज प्रिंट क्या है, ये मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। चलते हैं एक डायग्राम से शुरू करते हैं। ये जो डायग्राम है ये हम लोग का लाइन कहलाते हैं इस डायग्राम को। अगर ये जैसे आप लाइन खींचते हैं और आपको ये लाइन अगर सीधा चाहिए तो आप शिफ्ट दबा के आप इसको देखिए इधर उधर करेंगे तो ये लाइन अपने जगह पे रहेगा। देखिए मैं इसको छोड़ा नहीं हूँ अभी, और जैसे मैं शिफ्ट छोड़ रहा हूँ ये देखिए, फिर आप अगर शिफ्ट दबा के रखेंगे तो ये शिफ्ट दबाने से होता क्या है ना कि ये परपेंडिकुलर हो जाता है, मतलब ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता। अगर आपको डायग्राम सीधा बनाना है तो आप शिफ्ट दबा के इधर उधर करिएगा तो ये सीधा बन जाएगा। दूसरा ट्राई करते हैं। अगर आप इधर से फिर आप लाइन अगर आप इस तरह करना चाहते हैं 45° एंगल पे आप अगर डायग्राम बनाना चाहते हैं तो भी आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है, एकदम 45° बन रहा है। ये देखिए मेरे हाथ इस तरह है, तब ये देखिए मैं जैसे शिफ्ट छोड़ रहा हूँ, ये देखिए मैं फिर शिफ्ट दबाया तो ये 45° एंगल पर ये बन गया। तो ये है शिफ्ट। बताइए मुझे कमेंट में क्या आप ये जानते थे। जानते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते होंगे तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ये देखिए ये हो रहा है इस तरह। चलिए ये हो गया, तो इसको हम लोग कंट्रोल जेड कर लेते हैं। कंट्रोल जेड से क्या होता है, आप लोग का इंडो है। देखिए आप मैं फिर से वापस की तरह ला देता हूँ। जैसे ये आपका ये मैंने अभी तक तो जो पहले इंटरफेस बताया था ये है आपका। कंट्रोल जेड दबाने के मतलब अगर आप नहीं दबाना चाहते तो इधर देखिए आपको इधर 2 आइकन दिख रहा है। इधर ये 2 आइकन है, एक इस तरफ मुड़ा हुआ है, एक इस तरफ मुड़ा हुआ है। तो अगर आप इसको दबाएंगे तो आपका 1 स्टेप पीछे चला जाएगा, फिर दबाएंगे फिर आपका 1 स्टेप पीछे चला जाएगा, फिर इसको दबाएंगे तो एक आपका 1 स्टेप आगे चला जाएगा, फिर 1 स्टेप आगे। इसको जो आगे जाने वालों कहते हैं इसको रीडो कहते हैं, और जो पीछे है जो पीछे वाले स्टेप में जाता है इसको अंडो कहते हैं। इसका जगह शॉर्टकट की इधर दिखा रहा है Ctrl+Z, और इस पर रीडो जो दिखा रहा है उस पर Ctrl+Y। मेरे को अगर बैक जाना है तो मैं Ctrl+Z करूँगा, मेरे को फिर आगे जाना है तो मैं Ctrl+Y करूँगा। दूसरी बात, मैं इसको पूरा क्लीन कर देता हूँ। दूसरी बात, ये जो टूल है बहुत लोग को ये टूल नहीं चलाने आता है। वेल मैं आपको ये भी बताऊँगा। ये देखिए अगर मैं शिफ्ट के साथ इसे कर रहा हूँ तो ये सीधा हो गया। इसमें आपको ये जो इसको हम लोग रस्सी कहते हैं, इस टूल को हम लोग आसान भाषा में रस्सी कहते हैं, रस्सी।
रशी मतलब ये जो ऑप्शन है ये हम लोग को इसमें दो बार टर्न करने का ऑप्शन देता है, मतलब हम इसे इसमें हम लोग दो बार ही छेड़छाड़ कर सकते हैं। देखिए एक मैं इधर मुड़ा रहा हूँ, ये एक हो गया, और फिर अगर आप इधर से मुड़ाना चाह रहे हैं तो ये दो हो गया, बस। अब आप इसके ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, ये देखिए ये हिल रहा है, आप इसके ज़्यादा इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें दोबारा करो तो नहीं, आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये हम लोग को आसान के लिए एमएस पेंट छोटा सा दिया गया है, इसमें ज़्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन हमारे एमएस पेंट में ये दिया गया है तो हम लोग इसे यूज़ करते हैं। देखिए अब वो फिर करके दिखा रहा हूँ, इसमें हम लोग दो स्टेप से ज़्यादा हम लोग इसमें रस्सी को नहीं ले सकते हैं। देखिए हम लोग इस रस्सी की मदद से हम लोग अभी एक लोटस बनाएंगे, कमल का फूल बनाएंगे। तो पहले हम लोग एक सीधा लाइन खींचना है, सीधा लाइन अगर आपको खींचने प्रॉब्लम हो रहा है तो सीधे आप शिफ्ट दबा के करिए, या बस सीधा लाइन इस तरह हो जाएगा, ये देखिए हो गया। अब आपको ये रस्सी में पहले आपको बताया था पहले ही कि इसमें सिर्फ दो हम लोग को चांस मिलते हैं टर्न करने का, तो ये जो कमल का फूल है देखिए मैं इसमें ऐसा बना रहा हूँ कि मेरे को सिर्फ एक ही बार टर्न करने का इसको ज़रूरत है। देखिए मैं यहाँ तक बना के फिर इसको छोड़ दिया, फिर इस पर दोबारा मैं एक बार क्लिक करूँगा, ये देखिए ये मेरा सिलेक्ट हो गया। और फिर ऊपर वाले टिप से इसको हम लोग को इस तरह खींच के इस पर सटाना है, और सेम टू सेम हम लोग को इधर खींच के हल्का सा इस तरह ले जाना है, फिर इधर एक बार क्लिक कर देना है, क्योंकि हम लोग को दो स्टेप नहीं चाहिए, हम लोग को एक ही स्टेप में काम चल जा रहा है। फिर आप थोड़ा इधर से आप शुरू करिए और ड्रैग करके हल्का इससे छोटा ये लाइए, और हम लोग को इधर बीच से हल्का सा खींचना है इस तरह, बस हो गया। मेरे को भी इसमें एक बार चाहिए था, इसमें दोबारा मैंने इसमें दो बार क्लिक कर दिया तो हो गया। और फिर मेरे को इसमें ये हम लोग का मेन पॉइंट जो है, ये हम लोग का मेन पॉइंट है, हम लोग को पूरा लाइन इधर ही ला के छोड़ना है। फिर हम लोग इधर से बीच से इस तरह उठाएंगे और जाके इधर ड्रैग करके छोड़ देंगे। मेरा ये एक ही चांस हुआ, लेकिन इसमें दो चांस लेता है इसलिए, लेकिन मेरे को इसमें एक ही चांस चाहिए इसीलिए मैं इसमें दोबारा एक बार क्लिक कर दूंगा, ये मेरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर उसी तरह आपको इस साइड भी सेम टू सेम करना है, हल्का सा इधर डाउन, ये हल्का सा, सॉरी देखिए आप इसे इस तरह छोटा ही बड़ा भी कर सकते हैं। इसमें ये जो है से इधर थ्री दिया हुआ है, इधर इधर थ्री दिया हुआ है, ये आपको इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं छोटा बड़ा इसको कर दिया, हो गया। अब फिर मैं इसको मेन पॉइंट जो था ये इधर मैं इस पर इधर ला के छोड़ दूंगा, और हल्का सा बीच से इधर पकड़ के इसको ड्रैग करके इधर लगा दूंगा। अब इसी तरह हम लोग को धीरे धीरे इससे छोटा छोटा हम लोग करते रहना है, तो मैं आपको दो गुने स्पीड में ये करके बता रहा हूँ। अब देखिए ये हम लोग इस तरह हम लोग ने इसके ये फोर एट और नाइन नाइन पेटल्स बना लिए हैं हम लोग। और फिर हम लोग को इधर से अब इसका ये इसको हम लोग इंग्लिश में स्टेम कहते हैं, हम लोग अब ये स्टेम बनाना है। तो पहले आप इधर सीधा लाइन खींचेंगे, हम लोग ये सब सिर्फ रस्सी के टूल से काम कर रहे हैं, और स्टेम तो डायरेक्ट सीधा होता नहीं है, तो हम लोग इसको टेढ़ा करेंगे। इसमें हम लोग को दो बार चांस हम लोग को चाहिए, इसलिए हमको इधर दो बार चांस यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए दो बार हो गया, बस ये हमारा हम लोग का मतलब इसमें चांस ख़त्म हो गया। और हम लोग चाहेंगे इसमें दो और मूवमेंट करने को, तो ये नहीं हो सकता। फिर आप इसी के हिसाब से इसको इस तरह करिए और इसको इस तरह देखिए कितना अच्छा बन रहा है ये। अब हम लोग को इसका पत्ता बनाना है। पत्ता बनाने के लिए भी सबसे सिंपल है, आप इसको इधर से हो गया, इधर से आप इधर एक लाइन खींचिए, हल्का टेढ़ा ही रहेगा तो कोई बात नहीं, फिर हल्का सा इधर खींचिए हल्का सा, और फिर बीच से इधर को इधर ड्रैग करके ये हो गया। अब इसी तरह हम लोग का फिर इधर, अब ये हम लोग का इधर जो है ये मेन पॉइंट हो गया, तो हम लोग फिर अब इधर से एक इस तरह खींचेंगे और फिर ये हो गया। वाह लव शेप का है, चलिए किसी तरह भी है, लेकिन हम लोगों ने इतना तो जाना। और फिर हम लोग को ये बीच से ये बनाना है, तो फिर हम लोग ये सब देखिए इधर रस्सी से हम लोग सिर्फ काम कर रहे हैं। तो ये रहा, ये हो गया, और हल्का ये भी टेढ़ा होता है। वाह कम से कम इतना तो बना हम लोग से,
ये देखिए बहुत अच्छा कमल का फूल बन गया है। ये सिंप्लीफाई सिंप्लीफिकेशन वाले कमल का फूल है, आप इसे सिंप्लीफाइड वे में कह सकते हैं। हमने इसमें ज़्यादा घुमा फिरा के मॉडिफिकेशन इसमें नहीं किया है, हम लोग ने सिंपल सिर्फ आप लोग को ये दिखाने के लिए किया है ताकि आप लोग इसमें कुछ सीख जाए। बहुत लोग को रस्सी से प्रॉब्लम होती है, मैंने काफ़ी यूट्यूब में देखा है कोई पेंट टूल में जो है ये रस्सी के बारे में नहीं बताता है, तो इससे हम लोग इसे कर्व टूल कहते हैं, लेकिन मैं इसे रस्सी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, एज बिकॉज ये जो है ये रस्सी की तरह बिहेव करता है, इसीलिए मैं इसे रस्सी बोल रहा हूँ। तो देखिए हम लोग रस्सी के हम लोग यूज़ करके हम लोग इसमें इतना सा और ऑप्शन बना लिए। अब आप लोग को बनाना है, अभी वैसे ही तो पता चला कि कमल का फूल तो ये समुद्र में रहता है, तो हम लोग को अभी समुद्र बना रहे हैं। समुद्र बनाना बहुत इजी है, आप ये जो ये पेंसिल है, ये पेंट है, ये टेक्स्ट लिखने वाला है, ये मतलब ये ग्लास है, मैग्नीफायर है, ये जो है ड्रॉप टूल है, ये इरेजर है, ठीक है, ये इरेजर है और ये पेंसिल है। हम लोग को ये दोनों का इसमें ज़रूरत पड़ने वाला है, तो हम लोग पेंसिल को लेंगे इधर, क्योंकि समुद्र जो है वो सीधा सीधा नहीं होता, वो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो हम लोग इसको लेंगे और इसको हम लोग ब्लू कलर से लेंगे। ये रहा ब्लू कलर, ये रहा ब्लू कलर, चलिए यहीं ले लेते हैं, चलिए ये ले लेते हैं ब्लू कलर हल्का सा। और फिर हम लोग इस पर साइज ले लेंगे, साइज इसमें मोटापा इसको कहते हैं, जितना आप मोटापा पतला करना चाहें, मैं इसको ले रहा हूँ। अब फिर इधर से हम लोग शुरू करेंगे, ये रहा हम लोग इधर से अब टेढ़ा मेढ़ा बनाएंगे, आप किसी तरह बना सकते हैं, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। समुद्र का पानी टेढ़ा ही हो तो ठीक है, अच्छा लगता है। और फिर इधर से ये रहा समुद्र का पानी उछल रहा है, ठीक ये है। हम लोग ने पेंसिल से समुद्र का पानी बना दिया, किसी तरह बनाया, अच्छा बनाया। और हम लोग ये मैग्नीफायर लेंगे और इसको इधर बड़ा करके देखेंगे, ये देखिए अभी जो है इधर अच्छे से नहीं हुआ है, तो हम लोग इधर पेंसिल लेंगे और इसको अच्छा करेंगे इधर से। और देखिए ये जो काला काला है इसके ऊपर ही मेरा कलर चला गया है, तो हम लोग पेंसिल है हम लोग ये पेंसिल हम लोग का, अब इसको हम लोग ये ब्लैक कलर लेंगे और इस पेंसिल से हल्का इधर, ये देखिए वाह अच्छा हो गया, पूरा फिट हो गया। वापस हम लोग मैग्नीफायर को, अगर मैं ये राइट क्लिक करूँगा माउस का, ये जो माउस का जो बटन है, मैं राइट क्लिक करूँगा तो ये छोटा होगा, और वहीं मैं देखिए इधर लेफ़्ट क्लिक कर रहा हूँ माउस के बटन का, तो ये बड़ा हो रहा है। देखिए ये देखिए इधर हम लोग का इधर छूट रहा है, तो हम लोग वापस इधर पेंसिल लेंगे, ये वाला कलर लेंगे, साइज़ देख लेंगे ये वाला है, और हम लोग इधर फिर वो कर देंगे, हो गया। अभी हम लोग ये पानी उछल रहा है तो कुछ बूंदा हवा में थोड़ा हम लोग दिखाएंगे कि कुछ बूंदा हवा में है उछल रहा है पानी, तो जहाँ पे उछल रहा है वहाँ पे हम लोग पानी को इस तरह शेप दे देंगे। आप अपना इसमें क्रिएटिविटी ज्वाइन कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस तरह मैं बना रहा हूँ आप उसी तरह रहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी क्रिएटिविटी अलग हो सकती है, मेरी क्रिएटिविटी अलग हो सकती है, आपकी सोच मेरी सोच शायद आपका सोच अच्छा हो सकता है, मेरे मैं तो मतलब ये वीडियो थोड़ा छोटा बने, मैं इसलिए ज़्यादा मॉडिफिकेशन इसमें नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको सिंपल सा कमल का फूल बना के दिखाया है पेंट में, शायद आपको इतना कोई डिटेल में नहीं बताता है। अगर आपको क्लाउड बनाना है, वेरी वेल एकदम, मैं चाह रहा था कि आप लोग को ये बात पता चले, तो अगर आपको ये क्लाउड बनाना है तो बहुत ईजी तरीका है, आप लोग इसमें जाइएगा, ये शेप में है, इस पर क्लिक करिएगा, ये ऑप्शन को इसको चुनिएगा और आपको इधर खींच के आप लोग को ये ड्रॉप कर लेना है। वेल ये ड्रॉप हो गया, आप इसको ड्रैग करके अपने एडजस्ट कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, ये रहा छोटा हो गया। अब फिर हम लोग को ये इरेजर लेना है, इरेजर को देखिए, ये जो इरेजर है हम लोग का कंट्रोल प्लस प्लस, यानी कि कंट्रोल के साथ आप लोग कीबोर्ड में ये जो प्लस का साइन होता है बड़ा वाला एकदम राइट साइड में होता है, उसको आप लोग दबाएंगे तो ये बड़ा होगा, ये देखिए बड़ा हो गया। और फिर आपको आप लोग उसके ऊपर एक माइनस रहता है, आप कंट्रोल के साथ माइनस दबाएंगे तो ये इरेजर छोटा होगा, ये आप लोग को पता होगा, लेकिन तभी मैं बता दे रहा हूँ, मे भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं पता हो। ये देखिए मैं उसको, ये हो गया एकदम। अब देखेंगे हम लोग, इधर आपका एक सेलेक्ट बटन रहता है, इस पर आप लोग करेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको इधर कॉपी है, ये रहा इधर कॉपी बटन, इसको कॉपी करिएगा, फिर इधर पेस्ट करिएगा, ये पेस्ट करिएगा, ये इधर आ जाएगा, ये देखिए ये रहा, हम लोग इधर ही रहने देते हैं, चलिए अच्छा है, बहुत अच्छा है।
ठीक, ये हो गया, ये हम लोग का बन गया। अब बात ये जो कमल का फूल है ये पिंक कलर का होता है, तो चलिए हम लोग इसे भी कर देते हैं। ये रहा पिंक कलर, ये देखिए ये हम लोग का पिंक कलर हो गया। लेकिन लेकिन ये जो है वो लोग मैग्नीफायर लेंगे और इधर बड़ा करेंगे, तो ये देखिए जो पत्ता है ये हम लोग का हरा कलर का है, ठीक है। तो हम लोग को इसमें करना क्या होगा कि ये देखिए, अब आप लोग को इसमें थोड़ा जुगाड़ करना पड़ेगा। कैसे जुगाड़ करना पड़ेगा ये देखिए, आप लोग को इधर इरेजर लेना है, ये रहा इरेजर। अब फिर थोड़ा छोटा कर लेते हैं, कंट्रोल माइनस दबा के हम लोग इस इरेजर को थोड़ा छोटा कर लेंगे। ये रहा इरेजर, छोटा कर लेते हैं, ऐसे हो गया, ये छोटा हो गया। मैं आपको बताऊंगा ये मैं क्यों कर रहा हूँ, और फिर इधर से इसको मिटा लेंगे। मैंने हम लोग पतला पत्ता को ही जो है, ये जो हम लोग का ये पत्ता है, हम लोग इसे थोड़ा अलग कर देंगे स्टेम से, बिल्कुल भी किसी कलर से टच नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप लोग ने देखा, अगर मैं इधर भी ये पूरा ब्लैक कलर का था, मतलब एक ही कलर का था, और फिर एक ही कलर के होने की वजह से मैं इधर अगर दूसरा कलर भी चेंज कर रहा हूँ, तो इसके इसके चलते ये पूरा कलर चेंज हो जाएगा। वहीं मैं इधर दूसरे कलर से मैंने ड्राइंग किया था, तो ये कलर चेंज नहीं हुआ, इसलिए पत्ता को फिर चेंज कलर, मतलब ये इधर से अलग कर दिया। और फिर मैं आपको इधर दिखाऊंगा, इधर आप जाइए पेंट में हरा कलर लीजिए, और ये देखिए सॉरी ये वाला थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, ये वाला ठीक है, ये वाला कलर लग रहा है। अब आपको फिर जाना है ये रस्सी वाले टूल में, आपको इधर से ज्वाइन करके फिर इधर जोड़ना है, सॉरी हम लोग को ये पिंक कलर लेना है ना, तो हम लोग को इस पे जाना है, ये वाला कलर चॉइस करके इधर से लेके इधर तक, फिर हल्का इसके, ये देखिए बहुत अच्छा हो गया। अब आपको फिर इस तरह इसमें जाना है और इस तरह कर देना है, बढ़िया। लेकिन हम लोग को फिर एक प्रॉब्लम आ गई, क्या कि ये जो स्टेम भी है ये दोनों एक ही कलर का होता है, तो हम लोग इसमें जाएंगे इरेजर में, इरेजर को थोड़ा और छोटा कर लेंगे, तो ज़्यादा क्रिएटिव करने की ज़रूरत ना पड़े, और इधर से मिटा लेंगे। फिर हम लोग पेंट में जाएंगे और इधर क्लिक करके हम लोग इधर पे कर लेंगे, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। फिर उसके बाद इस पे इस कलर पे जाके हम लोग, नहीं हरा वाला कलर ले लेते हैं, हरा वाला कलर जाके इस पे हम लोग इस पे टच करवा देंगे। मैग्नीफायर से हम लोग राइट बटन माउस का दबा के हम लोग इसे छोटा कर लेंगे, बहुत अच्छा बन गया है। अगर आपको इसमें कोई परेशानी समझ में आ रही, तो आप अपनी क्रिएटिविटी इसमें लगा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जिस तरह बनाया, मैंने आपको सिर्फ सिखाया है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको इस सबका यूज़ बताऊंगा, ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको इधर ही स्टॉप कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और हाँ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। मैंने अपना नया चैनल खोला है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए मेरे को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले। ऐसे ही मैं वीडियो दिखाते रहूँगा, सॉरी। लेकिन मैं ये अगर वीडियो जो था ये बड़ा हो जाए, कारण मैं इस वीडियो को अभी छोड़ रहा हूँ, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लोग को प्रॉब्लम होता है। अगले वाले वीडियो में मैं इसका पूरा डिटेल में आपको पूरा ख़त्म कर दूँगा पेंट उसमें, और उसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको पेंट 3D बताऊँगा। बाय बाय।